देश का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा यूपीएससी में बेटियों ने मारी बाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाशवाणी न्यूज़, मैं हूं आशीष कुमार सिंह। यूपीएससी का रिजल्ट जारी होते ही उस माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा हो गया जिन्होंने अपनी बेटी की भ्रूण में हत्या नहीं की थी और उसे पढ़ा लिखा कर देश की सेवा के लिए आगे बढ़ाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईशिता किशोर और गरिमा लोहिया के बारे में, जिन्होंने यूपीएससी परीक्षा में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करते हुए अपने क्षेत्र सहित पूरे देश का सर गौरवान्वित कर दिया है। आज उस माँ बाप के गाल पे एक तमाचा है जिन्होंने बेटियों की हत्या भ्रूण में ही कर दी थी। उस माँ बाप के गाल पे एक तमाचा आज बेटियाँ लगाई है जो ये कहते हैं कि बेटियाँ सिर्फ घर में काम करने के लिए होती है और बेटियों के पैदा होने से उन्हें खुशी नहीं मिलती है, बेटियों के पैदा होने पर वे खुश नहीं होते हैं और बेटियों की भ्रूण में हत्या कर देते हैं। उस माँ बाप के लिए आज एक सबक है, जो बेटियाँ सिर्फ भ्रूण में हत्या करने के लिए नहीं होती है, बेटियाँ गौरवान्वित करने के लिए भी होती है। आज सारा देश गर्व कर रहा है कि देश की बेटियाँ आज देश सेवा के लिए आगे बढ़ रही है और यूपीएससी में फर्स्ट और सेकंड रैंक लाकर देश की सेवा कर रही है और देश का नाम ऊंचा कर रही है। इस खबर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ये खबर आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। साई हॉस्पिटल चुन्नी छातापुर वार्ड नंबर 1 सुपौल, मोबाइल नंबर 7061509641 और 7042806778। भास्कर आई केयर सेंटर हॉस्पिटल चौक विराटनगर, हमारे यहाँ आँख संबंधित सभी प्रकार का इलाज आधुनिक मशीनों द्वारा किया जाता है और काला मोतियाबिंद का सफल इलाज विशेषज्ञ डॉक्टर भास्कर झा जी के द्वारा किया जाता है। हमें संपर्क करें 9801325172 और 00977982075965 पर।